जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरा एक बार YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों जो पैशन का जो एक्सटेक है, जो टॉप मॉडल है दोस्तों, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें काफ़ी फीचर्स आया है दोस्तों, मेरा वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पैशन एक्सटेक है, इसको मैं आपको चारों साइड से एक बार दिखाता हूँ। देख सकते हैं कुछ आगे का, कुछ इस तरह का आपको प्रोफाइल में दिखेगा, और ये साइड में देख लीजिए कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, और रियर का भी आपको दिखाते हैं। रियर में भी आपको कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। तो आगे मैं आपको एरोडायनेमिक लुक में दिखेगा, कुछ देखने को इस तरह का मिलेगा। और हीरो का यहाँ पे बैचिंग दिया हुआ, देख सकते हैं हीरो का 3D लोगो में है। और इससे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये LED लाइट दिया हुआ है, जो एस सिग्नेचर हेडलैम्प है मिलेगा। और नीचे में आपको दिखेगा प्रोजेक्टर हेडलाइट, देख सकते हैं। ये दोस्तों जनरली हीरो में ही 110 cc में सेगमेंट में ये आता है। और उससे नीचे आइएगा तो ये नंबर प्लेट के लिए दिया हुआ है। और इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये है सस्पेंशन। सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, तो आपका ये कन्वेंशन फॉर्क में दिया हुआ है, देख सकते हैं। और उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो रिफ्लेक्टर लाइट दिया हुआ है। ये आपको जनरली दोनों साइड देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। और उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये है ड्रम ब्रेक में। जनरली दोस्तों इसमें दो वेरिएंट को आपको मिलेगा, एक डिस ब्रेक और एक ड्रम ब्रेक। तो ये जो है दोस्तों, ये ड्रम ब्रेक में है, जिसमें आपका IVS लगा हुआ है। ब्रेक मारने से ये आगे पीछे दोनों काम करता है दोस्तों, देख सकते हैं। ये एलाई रिंग है दोस्तों, देख सकते हैं, जो ट्यूबलेस टायर के साथ में आता है। टायर की बात करें दोस्तों, तो ये ट्यूबलेस टायर में आएगा, जो आप देख सकते हैं। इसका टायर की साइज की बात करें तो ये 80x100 का ये होता है। तो कुछ आगे का ग्राफिक्स वाइज में आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखने का मिलेगा, देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको जो पैशन है, पैशन का यहाँ पे 3D लोगो में आपको मिलेगा। और उसमें आपका पैशन एक्सटेक यहाँ पे लिखा हुआ देखने का, जो कलर के साथ काफ़ी ये जचता है दोस्तों, देख सकते हैं। ये फिल FI है आपका, जिसको फिल इंजेक्टर बोलते हैं हम लोग, यानी उसका बैचिंग दिया हुआ है। और उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों तो ये हमारा गियर हुआ। इसमें जनरली आपको 4 गियर का मिलेगा, चारों गियर आपका पीछे में है। और यह है साइड स्टैंड दोस्तों, इसमें एक नया फीचर सेट हुआ है। अगर आपका गाड़ी गियर में रहेगा दोस्तों, और अगर साइड स्टैंड लगा हुआ रहेगा, तो ये गाड़ी आपका बंद हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपका बिल्ड के साथ में ये आपका लेगार्ड आता है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको i3S का भी बैचिंग मिलेगा, देख सकते हैं, जो कि लोगो दिया हुआ है। और इसमें अगर आप पीछे में जाते हैं तो यहाँ हीरो का भी आपका लोगो दिया हुआ है। लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा दोस्तों, काफ़ी चौड़ा है, पैर रखने में आपको काफ़ी बेहतर होगा। अब दोस्तों अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें दोस्तों इस बाइक का, तो 2036 mm को आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों हाइट की बात करें दोस्तों, तो ये आपका 1113 mm को देखने को मिलेगा। और व्हील बेस की बात करें दोस्तों, तो ये आपको 1270 mm को देखने को मिलेगा। और जो ये सीट का हाइट है दोस्तों, ये 799 mm को देखने को मिलेगा। और मेन चीज़ दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस में दोस्तों आपका 180 mm को देखने को मिलेगा। और फुल टैंक की बात करें दोस्तों, तो ये 10 लीटर का आपको देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी का वेट की बात करें दोस्तों, तो आपको ड्रम ब्रेक में 117 kg का होता है दोस्तों, और डिस्क वेरियंट में दोस्तों 118 kg का होता है दोस्तों। रियर का बात करें दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो टेल लैंप है दोस्तों, देख सकते हैं, रात में आपको काफ़ी बेहतर दिखेगा। और नंबर प्लेट का भी यहाँ पे आपका लाइट दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। ये आपका दोस्तों इंडिकेटर लाइट हुआ, देखिए कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, जो कि रात में काफ़ी बेहतर ये दिखता है दोस्तों। पीछे दोस्तों टायर की बात करें तो ये भी ट्यूबलेस टायर मिलेगा। पीछे भी दोस्तों आपको 80x100 देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा।
पीछे का सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, तो ये ट्विन शॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं, जो 110 सीसी के लिए काफ़ी ये बेहतर होता है दोस्तों, देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का आपको पीछे का देखने को मिलेगा। राइट प्रोफाइल के बात करें दोस्तों को, तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर भी आपको ये साइड में भी पैशन का जो है 3D लोगो में मिलेगा दोस्तों, और उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये साइड में भी आपको FI का जो है दिया हुआ है दोस्तों बैचिंग, और यहाँ पे आपका i3S का भी बैचिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं i3S का लोगो, और ये हुआ दोस्तों हीरो का लोगो, कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा दोस्तों। ब्रेक की बात करें दोस्तों, तो इसमें IVS लगा हुआ है, ब्रेक मारने से आगे पीछे दोनों काम करेगा दोस्तों, और इसका जो मुख है दोस्तों इंजन का, तो चलिए इंजन का भी बात करते हैं दोस्तों। इंजन का बात करें दोस्तों, तो एयर कूलेंट 4-स्ट्रोक का होता है दोस्तों, और CC की बात करें दोस्तों तो 113.2 CC का होता है दोस्तों, और मैक्स पावर की बात करें दोस्तों तो आपको 6.73 kW का होता है दोस्तों, और टॉर्क की बात करें दोस्तों तो 9.79 Nm का होता है दोस्तों, जिसको NM भी बोलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार को आपको इंजन इसका देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब मीटर का बात करते हैं, तो मीटर अगर देखिएगा तो ये पूरा डिजिटल मीटर के साथ में आएगा, कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, ऑन करने से कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा लो फ्यूल का इंडिकेटर है आपका, देख सकते हैं ये न्यूट्रल का है दोस्तों, यहाँ पे आपका i3S को देखने को मिलेगा, ये इंजन लाइट हो गया दोस्तों, ये पासिंग का हो गया, देख सकते हैं पासिंग का भी जलेगा, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का लगा हुआ रहेगा तो भी आपका इंडिकेटर करेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। और लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे i3S का स्विच मिलेगा, ये आपका सेल्फ का स्विच है दोस्तों, देख सकते हैं। और डिजिटल मीटर में दोस्तों और एक फीचर ऐड हुआ है, इसमें आपका कॉलिंग अलर्ट और SMS अलर्ट ये दोनों शो करेगा दोस्तों, जनरली ये आपका स्मार्टफोन से ही कनेक्ट होता है दोस्तों। और यहाँ पे आपका चार्जिंग का भी दिया हुआ है पोर्ट, देख सकते हैं USB चार्जर लगा के आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। और लेफ्ट में आते हैं दोस्तों, तो ये पासिंग का स्विच हो गया दोस्तों, देख सकते हैं, ये आप अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो उसके लिए होता है दोस्तों, देख सकते हैं। ये इंडिकेटर आपका हो गया दोस्तों, इंडिकेटर का स्विच हो गया, और ये हॉर्न का हो गया दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों मेरा वीडियो को इसी तरह आप लोग देखते रहिएगा और शेयर भी करिएगा, धन्यवाद।